बहुत ही डिलीशियस बनी थी पनीर बटर मसाला। आप एक बार इस तरह से बना कर देखें। दो टमाटर लिया है, तीन मिर्च ली है मैंने जो बकम तिखी है, और एक चम्मच मैंने देगी मिर्च ली है और साथ में ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही अच्छा कलर आता है इससे। 12 काजू को मैंने गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो लिया था एंड उसे ग्राइंड कर लिया। घी गर्म होने के बाद मैंने खड़े मसाले यूज़ किए हैं एंड जीरा। लहसुन अदरक को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, दो बारीक कटे प्याज एंड अगेन लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे अच्छी तरह से भून लिया है। मसालों में देगी मिर्च, हल्दी पाउडर, मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, जो पेस्ट बनाई थी टमाटर और हरी मिर्च की वो ऐड किया है एंड सॉल्ट, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी को मैंने रोस्ट करके क्रश कर लिया है एंड भुना जीरा पाउडर ऐड किया है मैंने। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालकर ग्रेवी को अच्छी तरह भून रहे हैं, और ये जो काजू की पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर रहे हैं, इसे भी 5 मिनट तक भूनना है। यहाँ पे गर्म पानी ऐड कर रहे हैं ग्रेवी के लिए, 1 टेबलस्पून गर्म मसाला एंड फ्रेश धनिया, 3 क्यूब्स लिए हैं बटर के, 200 ग्राम पनीर ऐड किया है एंड देगी मिर्च, हल्दी पाउडर एंड रोस्टेड कसूरी मेथी ऐड किया है जिससे टेस्ट बहुत अच्छा है। इसे 5 मिनट तक ऐसे ही हल्के हाथों से भून लें एंड ग्रेवी में ऐड कर दें। मैं सिर्फ बातों से ही बता सकती हूँ कि ये बहुत टेस्टी बनी थी।